हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं आंवले के मेले में, जो काफ़ी अच्छा मेला, बेहतरीन, काफ़ी बिग बड़ा मेला है और बहुत ही सस्ती चीज़ देने वाला है ये मेला। बच्चों के आइटम से लेकर बड़ों तक के ऐसा सामान मिलता है, खेले खिलौने वाला सामान मिलता है। मेरा कहने मतलब ये वो सामान नहीं मिलता है जो आप सोच रहे हैं, वो भी मिलता होगा। मटी वटी बता रहा हूँ, मात्र 10 रुपये में भाई, 10 रुपये, 5 रुपये। ये गुड़िया देख रहे हैं आप, ये डॉल, और ये ट्रक देख रहे हैं आप, और देखिए हम दूसरी दुकान पर हैं। ये यहाँ पे कितना सस्ता सामान मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 10 रुपये, 10 रुपये। कौन सा? 10 रुपये, 10 रुपये है ना भाई साहब? हाँ देखिए, बताना है 10 रुपये। अगर आपको खरीदना हो तो एक दो दिन का मेला बचा है, आप यहाँ आंवले के मेले में आए और यहाँ पे आप मेला का नजारा देखें और सामान खरीदें, क्योंकि यहाँ से सस्ता सामान कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। आप पूरे उत्तर प्रदेश के मेले में घूम सकते हैं। ये 10 रुपये का देखिए भाई, सेल है यहाँ पे, 10 रुपये की सेल है हर माल की। लेडीज का भी सामान मिलता है और छोटे छोटे बच्चों का भी सामान मिलता है यहाँ पे। देखिए छोटे छोटे बैट मिलते हैं बच्चों के, और बाकी सब सामान देख रहे होंगे आप। कितना? ये 20 रुपये, ये 20 रुपये है ना? देखिए कितना बड़ा ट्रैक्टर है, ये पूरा वो ट्रैक्टर ही है ना, ये देखिए जॉन डियर ट्रैक्टर है। ये देखिए 20 रुपये का ट्रैक्टर है, मात्र 30-40 रुपये में मिल जाएगा आपको आराम से। देखिए पीछे दुकानें बराबर उखड़ चुकी हैं और आगे भी उखड़ रही हैं दुकान, और ये मेला के दिन पूरे हो गए हैं क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा था ये मेला। हाँ, और यहाँ पे देखिए ये सब उजड़ रहा है। आप लोग अगर जल्दी आना है तो आगे मेला देख सकते हैं और मेले के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पे चरखे भी लगे हुए हैं काफ़ी, लेकिन चरखे अभी भीड़ भाड़ कम है ना, चक्कर से कम चल रहे हैं। देखिए पकौड़ी वाली फेमस पकौड़ी, हाँ देखिए, हाँ देखिए वो, हाँ देखिए वो चरखा लगा हुआ है उधर, दिख नहीं रहा है हमें, तो हम चरखे पर लेके चलते हैं। देखिए ट्रेन व्रेन सब कुछ है यहाँ पे, देखिए देखिए बच्चों के लिए है ये वाला चरखा। देखिए बतख में बैठा के अपने बच्चों को झुला सकते हैं, मात्र 30-40 रुपये का टिकट है यहाँ पे मिले में। देखिए ये बतख और बच्चे भी इसमें झूम रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। और ये ट्रेन लगी हुई है, मैंने जैसे कि बताया ये मेला उजड़ने वाला है और शाम का वक्त है, इस चक्कर से यहाँ पर बहुत ही कम लोग आए हैं मेला देखने के लिए। जैसे कि हम आए हैं किरा वीडियो बनाने के लिए, हम भी कोई सामान खरीदने के लिए नहीं आए थे, हमारे पास पैसे नहीं है भाई साहब, पैसे होते तो फिर हम वीडियो नहीं बनाने आते। देखिए और हमारे साथ लड़के हैं 3-4, ए वी निठल्ले, निठल्ला नंबर 1, निठल्ला नंबर 2, निठल्ला नंबर 3, और ये हमारे सिमरेश भाई पकौड़ी लेकर आए हैं। देखिए ये हमारे सिमरेश भाई हैं, इन्होंने कहा था मैं आपका सचरा बनूंगा, पकौड़े खाइए। देखिए बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया है। आज बीच खा ले, ये इसको मना कर रहा था भाई भूखे को, मैं नंगा बनाने वाला। अरे समोसा खा रहा हूँ भाई, तू क्यों भाई पैसा मान फेंको अगले, क्यों तो देखिए हमने पकौड़ी पकौड़ी खा ली है और निकलते हैं, और आगे को जो भी है आपको मेन गेट दिखा देते हैं, यहाँ से आपको एंट्री करनी है, वहाँ पे चलते हैं पास। देखिए इसमें 3-4 गली हुई है लेडीज के कॉस्मेटिक सामान जो मिलता है यहाँ पे, लेडीजों का और घर के यूज होने वाले छोटे छोटे शीशे कंगे ब्रश घड़ी शीशा कंगा लिपस्टिक लड़कियों का है और महिलाओं का सामान है। ये अलग दुकानें लगती हैं, ये बहुत ही बढ़िया मेले का रूल है हमारे मेले का, ताकि लेडीज और जेंट्स मिलवा ना हो उसमें, ये मेले की खास बात है हमारे और होनी भी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ भाई देखिए लेडीज और जेंट्स अलग अलग रहें, जिससे कि मेले में भीड़ भाड़ होती है लेकिन दंगा नहीं होता है ना, दंगा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं अगर इसी में लेडीज होती हैं और इसी में जेंट्स होते हैं तब। देखिए ये स्कूल है, ये काफ़ी बड़ा स्कूल है, स्कूल में मेला जुड़ता है ये देखिए, और इसमें मंदिर भी है कॉलेज में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आंवला में ये रोड जा रहा है बधाई उसको बरेली के लिए, उस वाले रोड पर ये स्कूल है, स्कूल में मेला जुड़ता है। देख भाई साहब ये देख रहे हैं आप, मेला उजड़ चुका है ना, इस चक्कर से बहुत कम भीड़ भाड़ है और कोई सामान भी ज़्यादा खरीदने वाला नहीं है यहाँ पे। देखिए और ये मैं आ चुका हूँ मेन गेट पे, मेन गेट पे सबसे बढ़िया यहाँ मिठाई मिल रही है, पेठे की एक नंबर मिठाई है भाई साहब यहाँ पे। देखिए ये है मेन गेट पर, ये जा रहा है बरेली के लिए रोड, देखिए वो देखिए मैं बोर्ड दिखा दूँगा आपको,
देखिए वो रामपुर शाहबाद बिसौली यहाँ से इतने किलोमीटर दूर हैं। देखिए और ये गेट है हमारा श्री भूतिया वो श्री भूतेश्वर नाथ शिशु निकेतन हाई स्कूल में लगा हुआ है मेला। तो दोस्तों आपने मेला देख लिया होगा और आपको मैंने मेले की रास्ता भी बता दी। तो आपको मेले की अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा ताकि हम दूसरी जगह जाके वीडियो बना सकें।